नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपी इंग्लिश डिस्ट्रीब्यूटिव पेपर में। दोस्तों, ये वाले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेजनेस हिस फॉल, जो एक प्ले है जिसको लिखा है बेन जॉनसन ने। इसकी समरी हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में, तो यही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, जो लोग TGT इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं उसके ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाए हुए हैं और उसके सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। सेजनेस इज फॉल। सेजनेस जो है एक कमांडर है, एक बड़े पद पर है। कहाँ पे? रोम पे, रोम के साम्राज्य में। और ये जो नाम है सेजनेस इज फॉल, सेजनेस जैसा मैंने आपको बता दिया, एक कमांडर है और जो राजा टाइबेरियस का विश्वास पात्र है, तो उसका ये मुख्य आदमी है, मुख्य सहायक है, सिपाही है, कमांडर है और विशेष अंगरक्षक है। तो हिस फॉल का मतलब ये हुआ कि किस तरह सेजनेस का पतन हुआ और वो अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ। फॉल माने होता है पतन होना, किस तरह वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। पहले वो बहुत शक्तिशाली था और वो एंड में बिल्कुल बर्बाद हो गया और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो यही इसका मीनिंग है, सेजनेस हिस फॉल, यानी कि सेजनेस का पतन। तो फ्रेंड्स, ये जो प्ले था 1603 में आया हुआ था। सेजनेस हिस फॉल प्ले बेन जॉनसन ने इसको लिखा है। 1603 में इसको लिखा था बेन जॉनसन ने। और इस नाटक में दो कैरेक्टर आपको मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, एक है सेजनेस और दूसरा जो है रोमन एम्परर टाइबेरियस, रोम का जो राजा है, शासक है टाइबेरियस। दो कैरेक्टर इसमें मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। जो सेजनेस था उसका पूरा नाम था लूसियस एलियस सेजनेस, और वो एक सोल्जर था, इसके साथ ही रोमन एम्परर टाइबेरियस का ख़ास आदमी था, जो राजा था उसका ख़ास आदमी था, विश्वास पात्र था और राजदार था। यानी कि जो टाइबेरियस था, राजा टाइबेरियस था, वो सेजनेस को अपना विश्वास पात्र समझता था और अपनी राज की बातें भी बताता था। कुल मिला के ख़ास आदमी था। और जो सेजनेस था वो जन्म से यूकेस्ट्रियन था, यानी कि घुड़सवार था, यूकेस्ट्रियन। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। धीरे धीरे राजा टाइबेरियस ने उसका प्रमोशन कर दिया और उसको प्रिटोरियन गार्ड बना दिया। अब दोस्तों, ये जो गार्ड होते हैं प्रिटोरियन, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि राजा के विशेष अंगरक्षक जो होते हैं, भरोसेमंद सैनिक होते हैं, जो हमेशा राजा के साथ चलते हैं जब भी राजा कहीं पर जाता है, और राजा की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी इन विशेष गार्ड्स की होती है। तो इस तरह जो सेजनेस था उसका प्रमोशन होता गया और वो काफ़ी महत्वपूर्ण पद पर पहुंच गया था। सेजनेस को कमांडर बना दिया गया था। सेजनेस ने सेना में अनेक सुधार किए और वो टैलेंटेड भी था और उसके अंदर सैन्य कौशल था। ठीक है, सेना को किस तरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं, किस तरह जो काम होते हैं, किस तरह जंग लड़नी है, ये सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर थी। इसलिए जो राजा टाइबेरियस था उसने सेजनेस को कमांडर बना दिया था और सेजनेस ने बहुत सारे सुधार भी किए और धीरे धीरे वह शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति बन गया था। पर यहाँ पे ये भी बात पैदा हो गई कि उसके मन में सत्ता पाने का लालच भी पैदा हो गया। ठीक है, जैसा ज़्यादातर कहानियों में आपको देखने को मिलता है, विलियम शेक्सपियर के जो ज़्यादातर प्लेज हैं उसमें आपको इस तरह की थीम देखने को मिलती है कि जो जनरल होता है, सेनापति होता है, वही राजा बनना चाहता है। तो बिल्कुल वही सेम स्टोरी यहाँ चल रही है कि जो सेजनेस था उसके मन में भी राजा बनने का ख्याल आ गया और सत्ता पाने का लालच उसके मन में पैदा हो गया। धीरे धीरे उसने अपनी जगह रोम की सरकार में बनाना शुरू कर दिया। वो खुद को रोम का राजा बनाना चाहता था और इसलिए सेजनेस ने धीरे धीरे उन लोगों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया जो सत्ता पाने में उसके लिए बाधा बन सकते थे। और खुद राजा बनने के लिए सेजनेस ने ड्रूसस जूलियस सीजर की हत्या करवा दी। अब दोस्तों, यहाँ पे ये कैरेक्टर हम लोग को देखने को मिलता है ड्रूसस जूलियस सीजर, ये कौन है? ये राजा टाइबेरियस का बेटा है और यदि टाइबेरियस ख़त्म हो जाते हैं तो इसको ही राजा बनना है, या कह सकते हैं युवराज है। तो जो सेजनेस होता है वो ये प्लानिंग करता है कि ये राजा का बेटा अगर मर जाए तो वो सेजनेस खुद राजा बन जाएगा और सत्ता उसके हाथों में आ जाएगी। इसलिए वो एक षड्यंत्र बनाता है और ड्रूसस जूलियस सीजर की हत्या करवा देता है। और ये जो हत्या करवाता है किस तरह करवाता है, चलिए आपको बताते हैं। तो ये जो ये काम होता है, ये जो
ड्रूसस की हत्या करवाने का काम होता है। ये सेजनेस ड्रूसस की पत्नी लिविला लिविला की मदद से करवाता है। लिविला को किसी तरह अपने फेवर में कर लेता है और जो लिविला होती है वो ड्रूसस को विष देकर उसकी हत्या कर देती है। तो इतनी कहानी आपको पता चल गई। फिर इसमें और आगे कहानी बढ़ती है। जो राजा टाइबेरियस है वो कैप्री नाम की जगह पर चला जाता है कुछ समय के लिए, और जब वो चला जाता है तो सेजनेस को रोम की सरकार का चीफ बना दिया जाता है, यानी कि सर्वे सर्वा, रोम का सर्वे सर्वा उस समय कुछ समय के लिए सेजनेस बन जाता है। और जब वो बन जाता है तो वो खुद को राजा जैसा समझने लग जाता है। तो जब वो चीफ बन जाता है तो उस समय वो रोम का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता था और सभी लोग उससे बहुत डरते थे। ठीक, यहाँ तक आपको मालूम पड़ गया। तो फिर बाद में इसमें प्ले में ये दिखाया गया है कि राजा टाइबेरियस को कहीं से ये बात पता चल जाती है, जो उसके जासूस होते हैं, गुप्तचर होते हैं, कहीं से ये मालूम पड़ जाता है कि जो सेजनेस है वो खुद सत्ता पाना चाहता है और वो खुद रोम का राजा बनना चाहता है। ये बात कहीं से राजा टाइबेरियस को पता चल जाती है। तो सेजनेस पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया जाता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो फ्रेंड, एग्जीक्यूट का मतलब आप लोग जानते होंगे, मृत्युदंड। ठीक है, तो सेजनेस के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा दिया जाता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, यानी कि उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको मार दिया जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि सेजनेस प्ले में हमको देखने को मिलता है कि सेजनेस का फाल हो गया है, यानी कि उसका पूरा पतन हो गया है, वो पूरी उसकी कहानी ख़त्म हो गई है और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है। सेजनेस के साथ साथ उसके साथियों को भी मृत्युदंड दे दिया जाता है, यानी कि एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वो कहानी है, प्ले की कहानी है, जिसका नाम है सेजनेस हिज फॉल, और इसको लिखा है बेन जॉनसन ने। तो बहुत ही छोटी स्टोरी है और ये लिखा गया है 1603 में। इसके जो मेन करेक्टर हैं वो हैं सेजनेस और दूसरा जो है रोमन एम्परर टाइबेरियस, इसके मेन करेक्टर हैं, और जो इसका जो टाइबेरियस का बेटा है ड्रूसस जूलियस सीजर भी मुख्य किरदार में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। जो लोग TGT इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी जो लिंक, सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। वीडियो को पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों अपने दोस्तों को भी ये वीडियो का लिंक शेयर कर दें। धन्यवाद।